दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 503 कोर्स के असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन 1 का आंसर देने वाला हूं। ये मैंने यहां पे क्वेश्चन रखा हुआ है, मैंने 503 के असाइनमेंट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये दोनों का आंसर पिछली वीडियो में दे चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, उस वीडियो के लिंक मैंने दे रखी है, आप उस लिंक से जा कर के इस वीडियो को देख सकते हैं और उसका आंसर लिख सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में 503 के असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देने वाला हूं। दोस्तों, यहां पर जैसे कि आपको पता ही है कि असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 दोनों में दो क्वेश्चन होते हैं और दोनों क्वेश्चन में एक एक विकल्प होता है, मतलब कि दो क्वेश्चन में से किसी एक का आंसर देना होता है। यहाँ पर दोस्तों दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, ऐसी विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए जो भाषा सीखने में सहायक हो। उसके बाद है अथवा करके यहाँ पर है, इसका मतलब कि ये क्वेश्चन या फिर ये क्वेश्चन, दोनों में से किसी एक का आंसर आपको देना है। दूसरा क्वेश्चन है, भाषा सीखने हेतु उपयुक्त वातावरण तैयार करना एक महत्वपूर्ण पूर्व तैयारी है, चर्चा कीजिए। दोस्तों, हम जो यहाँ पर आंसर अभी देने वाले हैं वो इस क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं। हालाँकि मेरे पास इस क्वेश्चन का भी आंसर है, मैंने लिखा है, अगर आपको ये चाहिए तो आप उसके लिए नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दें, मैं आपको ये आंसर भी प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल मैं ये क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग को बता रहा हूँ जो आपको पढ़ करके भी सुनाऊंगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। मैं दोस्तों ये क्वेश्चन को हटा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे, भाषा सीखने हेतु उपयुक्त वातावरण तैयार करना एक महत्वपूर्ण पूर्व तैयारी है, चर्चा कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। इसका आंसर है, बच्चे जिस परिवार में पैदा होते हैं उस परिवार का गहरा असर उनके भाषा विकास पर कई रूपों में पड़ता है। इस मामले में एक माँ बाप की भूमिका काफ़ी अहम होती है, खासकर बच्चों की भाषा के विकास में माँ की भूमिका सबसे ऊपर है। जो माँ जागरूक और पढ़ी लिखी होती है वे अपने बच्चों के साथ बातचीत करते हैं, इससे बच्चे को नए नए शब्दों को सीखने का मौका मिलता है जिससे उनका शब्द भंडार विकसित होता रहता है। दूसरा लाभ यह होता है कि वे शब्दों का सही उच्चारण करना सीखते हैं, इसलिए उनकी भाषा शुद्ध और आकर्षक बन जाती है। यह एक सच्चाई है कि बच्चों की भाषा उस रूप में विकसित होती है जिस रूप में वह दूसरे की शब्दों को सुनते हैं। माँ के अलावे बाप और परिवार के दूसरे सदस्यों का भी इसमें सहयोग होता है। इन सभी के सहयोग से बच्चे का भाषा विकास समुचित रूप से संभव होता है। जिस परिवार में यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती है उस परिवार के बच्चों की भाषा दोषपूर्ण बन जाती है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखना है यहाँ से, बच्चों की भाषा के विकास पर परिवार के आकार, बच्चों का जन्म कर्म, सामाजिक आर्थिक स्थिति आदि का भी निश्चित प्रभाव पड़ता है। जिस परिवार का आकार बड़ा होता है, यानी जिस परिवार में बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है, वहाँ माँ बाप के लिए यह मुमकिन नहीं होता है कि वे बच्चों की भाषा पर, उनकी भाषा के विकास पर ध्यान दे सकें। लेकिन जहाँ परिवार का आकार छोटा होता है वहाँ बच्चों की भाषा के समुचित विकास पर ध्यान देना संभव होता है। पियाजे ने अपने अध्ययन में पाया कि बड़े आकार के परिवार की अपेक्षा छोटे परिवार के बच्चों की भाषा और उनके भाषा का विकास ज़्यादा कामयाब होते हैं। इसी तरह जन्म क्रम, भाई बहन की संख्या आदि का असर भी बच्चों की भाषा विकास पर पड़ता है। ब्रॉडी के अनुसार पहले बच्चे की भाषा का विकास दूसरे या तीसरे बच्चे की अपेक्षा बेहतर होता है, क्योंकि माता पिता उनकी निगरानी अधिक करते हैं। इसी तरह सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी भाषा विकास का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। हरलॉक के अनुसार निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले बच्चों की अपेक्षा उच्च आर्थिक स्थिति वाले बच्चों की भाषा का विकास ज़्यादा बेहतर होता है। संपन्न परिवार के माता पिता को अपने बच्चों के साथ बातचीत करने, निजी शिक्षकों की व्यवस्था करने, पौष्टिक आहार देने, बच्चों को स्वस्थ रखने तथा अच्छे स्कूल में पढ़ाने की सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। उसी प्रकार असंपन्न परिवार में बच्चे इन मौलिक सुविधाओं से अक्सर महरूम रहते हैं।
इसलिए लाभान्वित बच्चों की भाषा वंचित बच्चों की भाषा से बेहतर होना स्वाभाविक है। यहाँ पर एक महरूम वर्ड आया है दोस्तों, ये उर्दू वर्ड है। महरूम का मतलब यहाँ पर वंचित है, अक्सर वंचित रहते हैं यानी कि महरूम रहते हैं। इसलिए लाभान्वित बच्चों की भाषा बच्चों की भाषा से बेहतर होना स्वाभाविक है। पड़ोस एवं अभिजात समूह, यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट को लिख के फिर इसको डील करना है। बच्चों की उम्र बढ़ने पर उनका संपर्क पड़ोसियों के साथ स्थापित होने लगता है। बच्चे की आयु यौन रुचि के अनुकूल सह समूह यानी अभिजात समूह का निर्माण होता है। अगर पड़ोस के लोग तथा सह समूह के बच्चों की भाषा बहुत अच्छी होती है तो उसके साथ रहने वाले बच्चों की भाषा अच्छी तरह से विकसित होती है। दूसरी ओर अगर पड़ोसियों की भाषा दोषपूर्ण हो और साथ रहने वाले बच्चों की भाषा भी त्रुटिपूर्ण हो तो ऐसी स्थिति में बच्चों की भाषा का विकास दोषपूर्ण बन जाता है। हरलॉक के अनुसार भाषा के विकास में अनुकरण का हाथ होता है, अतः तुतलाना हकलाना नकियाना आदि भाषा त्रुटि वाले बच्चों के साथ रहने वाले सामान्य बच्चों में भी इस तरह की त्रुटियों के विकसित हो जाने की संभावना बनी रहती है। खेल तथा खेल के साथ, बच्चों का कुछ समय खेल में गुजरता है। गंदा खेल खेलने वाले बच्चों की भाषा दूषित बन जाती है, जबकि अच्छा खेलों में भाग लेने वाले बच्चों की भाषा अच्छी बनती है। इस तरह खेल में भाग लेने वाले बच्चों की भाषा यदि अच्छी है तो उनके साथ रहने वाले बच्चों की भाषा समुचित रूप से विकसित होती है। इसलिए गुलिका ने कहा है कि माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को अच्छे खेलों तथा अच्छा साथियों के साथ रहने की प्रेरणा दें। विद्यालय, यहाँ पे पॉइंट है, इसको डैश देना, यहाँ पे मैंने ब्लैक पेन से नहीं लिखा, आप इसे ब्लैक से कर देंगे। विद्यालय लिख के इसको डील करना है। बच्चों के भाषा विकास पर प्राथमिक विद्यालयों का प्रभाव कई तरह से पड़ता है। यदि शिक्षालय का स्तर ऊँचा हो तो भाषा विकास ज़्यादा कामयाब होता है। यदि विद्यालय के शिक्षक योग्य हों और अच्छी भाषा का इस्तेमाल करते हों तो वहाँ पढ़ने वाले बच्चों की भाषा का विकास बेहतर होगा। यदि विद्यालय में अच्छे परिवार के बच्चे पढ़ते हों और अच्छी भाषा का उपयोग करते हों तो बच्चे की भाषा सामान्य रूप से विकसित होगी। दूसरी ओर अगर शिक्षालय की भाषा विपरीत हो तो बच्चों की भाषा दूषित बन जाएगी। अतः शुरुआती उम्र में ही बच्चों की भाषा को समुचित रूप से विकसित करने के लिए माता पिता अभिभावक तथा शिक्षकों को उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखकर उचित व्यवस्था करना चाहिए। यह व्यवस्था जिस हद तक उपयुक्त हो सकेगी बच्चों की भाषा का विकास भी उसी हद तक सफल हो सकेगा। दोस्तों ये 503 के असाइनमेंट 2 का पहला क्वेश्चन था जिसे 500 वर्ड में देना था। यहाँ पर 500 से कुछ ज़्यादा वर्ड हो गए होंगे, मैंने पहले ही बताया है कि 500 का मतलब सिर्फ 500 गिन करके नहीं होगा बल्कि 10 20 50 वर्ड आगे पीछे हो सकते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और दोस्तों आप हूबहू इसका कॉपी मत करना, कहीं पे कुछ चेंजिंग कर लेना। मैंने आपको ये पॉइंट बता दिया है, एक मतलब कि एक आप इस तरह से कुछ सोच करके अपने तरफ से भी लिख लेना, कुछ चेंजिंग कर देना, कुछ भाषा को बदल देना, कुछ जो वर्ड हैं उसको चेंज कर देना और इसी आधार पर अपना एक असाइनमेंट तैयार करना। हूबहू इसे कॉपी मत करना। और दूसरी बात कि अगर आपको यहाँ से लिखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है और आप चाहते हैं कि इसका PDF फाइल मैं आपको दूँ तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल या व्हाट्सएप नंबर देना, मैं आपको इसकी PDF भेज दूंगा। तो दोस्तों आगे की वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहें। मैं कल 503 ब्लॉक के असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दूंगा, उसके लिए हमारे चैनल को देखते रहिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कुछ भी पूछना हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।